आओ लड़की, हमारे समक्ष आओ। बस बस बस, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? डरो नहीं, नाम ही तो पूछा है हमने। बताओ। केसर जी। देखो लड़की, तुम्हें ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा। तुम्हारे भविष्य का फैसला करने के लिए यह समस्त होलकर परिवार और मालवा के प्रजाजन उपस्थित है, उन्हें सुनाई देना चाहिए। केसर, तुम्हारी मां का नाम? क्या के सब लोग अब तुम्हारी माता का नाम जानते हैं? और अब तक तो तुम भी जान गई होगी। बताओ क्या है तुम्हारी मां का नाम? गुलाब बाई। गुलाब बाई, यानी कि वही ना जो व्यावसायिक नृत्यांगना है। अब एक काम करो, अपने पिता का नाम भी बता दो। आचार्य जी। आप फिर से अपमानजनक मुद्रा में आ गए। आप ज्ञानी हैं। ज्ञान का उपयोग व्यक्ति का सम्मान करने में लगना चाहिए। व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी हो, उसके पास कोई अधिकार नहीं है अज्ञानी का अपमान करने का। अधिकार होता है राजकुमार, अधिकार होता है, क्योंकि अज्ञानी को तो ये भी नहीं पता होता कि मान और सम्मान के बीच क्या भेद है। जैसा इस समय आपकी समझ में नहीं आ रहा है, कल को ये लड़की आपकी राजगद्दी की बगल में बैठकर पूरी प्रजा के लिए एक उदाहरण बनेगी। उदाहरण सकारात्मक कहिए या नकारात्मक, बताओ लड़की क्या नाम है तुम्हारे पिता का? बताओ, किस खानदान से है तुम्हारे पिता? कौन सा कुल है तुम्हारे पिता का? बताओ। नहीं बताया मैं। नहीं बताया। पिता का पता नहीं, कैसे पता होगा? यदि तुम्हारी माता ने एक पुरुष का संग किया होता तो। आचार्य जी, आपके पास कोई अधिकार नहीं है ईश्वर का इस तरह अपमान करने का। अब आप सब लोग हमारी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम घोषणा करने वाले कि अब हम केसर के साथ विवाह करेंगे। तो आचार्य जी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब आपके पास कोई अधिकार नहीं है केसर का इस तरह अपमान करने का। अधिकार है राजकुमार, अधिकार है।
मालवा का आचार्य होने के नाते हमें पूर्ण अधिकार है कि हम हमारी भावी रानी के चरित्र की पड़ताल करें। एक बात आप भूल रहे हैं राजकुमार, आप मालवा के राजकुमार हैं और राजकुमार को ऐसी भावनात्मक मूर्खता शोभा नहीं देती। मल्हार सरकार, क्या अब आप हमें बताएंगे कि यदि ये विवाह होता है जिसकी हठधर्मिता लेकर राजकुमार मालेराव बैठे हैं, तो आप उसे किस तरह से जायज ठहराएंगे? ये किस तरह की स्त्री को आप हम पर मालवा की रानी बनाकर थोप रहे हैं? चलोगे सर? जा रही हो के सर? जाने से पहले क्या मैं मालेराव से कुछ बात कर लूं? मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूं मालेराव। जाने वाले को कौन रोक सकता है? मैं तो तुमसे कुछ साधारण से प्रश्न पूछने आई हूं, और प्रश्न ये है कि तुम्हारा इस तरह से फैसला लेना सही है? तुम्हारे आजूबा साहेब ने मालवा राज्य को अपने खून पसीने से सींचा है और यहां तक ले आए हैं, इस मुकाम तक, जहां मालवा राज्य को भारतवर्ष का अव्वल राज्य बना दिया है उन्होंने, और इस विरासत को आगे ले जाना तुम्हारा धर्म है मालेराव। तुम्हारे बाबा साहेब की आशाएं, उनके सपने, ये सब तुमसे जुड़ी है। क्या उसके बाद भी तुम्हें ये फैसला लेना है मालेराव? तुम ही बताओ, भाव आवेश में लिया हुआ तुम्हारा ये फैसला क्या तुम्हें सही लगता है? क्या तुम सच में मालवा छोड़कर जाना चाहते हो? ऐसे अगर हम आपको भाव आवेश में लगते हैं तो यही सही, मान लिया, लेकिन आप सब लोगों में तो जरा सी भी भावनाएं नहीं है। नहीं चाहिए हमें ये सब, छोड़ दिया है हमने, और अब आप हमें अकेला छोड़ दो। अब आप हमें हमारा जीवन अपने हिसाब से जीने दो, अपने तरीके से जीने दो। जा रहे हैं, अब मत रोकना हमें। रुक जाओ मालेराव, रुको। तुम्हें सिर्फ अपनी नहीं, सबकी परिस्थितियां समझनी चाहिए। अगर हम एक बड़ा कदम उठा भी लेना है साहब, तब भी कोई हमारी परिस्थितियों को नहीं समझेगा, तो फिर हम क्यों बाकियों के बारे में सोचे? मत रोकिए अब हमें, क्योंकि अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है मालेराव, जाओ। तुम इस वाड़े को और मालवा को त्याग देना चाहते हो ना? अगर तुम इस कक्ष से बाहर गए मालेराव, तो मैं यही अपना शरीर त्याग दूंगी। हाँ मालेराव, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं तुम्हारी आई साहेब हूं मालेराव। हालात तुम्हारे काबू में नहीं है ना, तो मेरे भी काबू में नहीं है। अगर तुमने मेरी पूरी बात सुने बगैर इस कक्ष से बाहर कदम रखा, तो मैं यही अपने प्राण दे दूंगी। मैं तुम्हारे बाबा साहेब को पहले ही खो चुकी हूँ, मैं तुम्हें खोकर नहीं जी पाऊंगी मालेराव।
ये नहीं होगा मुझसे। क्या मांगा है तुमसे मालेराव? तुम्हारा साथ? इतना बड़ा जीवन जीना बाकी है मालेराव, यू इस तरह से बीच मझदार में अब असहाय बनाकर अपने आई साहेब को छोड़कर चले जाओगे तुम? कभी अपने आप को मेरी जगह रख कर देखो। इस जीवन ने इतने घाव दिए हैं मुझे जो लगातार हरे होते रहते हैं, फिर भी मुस्कुराना पड़ता है ताकि मेरे बच्चे, मेरे मालवा की प्रजा निश्चिंत होकर जिए। तुम्हें मेरी ममता का वास्ता पाले रहो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। ठीक है ऐसे नहीं जाएंगे, लेकिन आप हमें केसर दे दीजिए तो हम नहीं जाएंगे। क्या हुआ ऐसे? नहीं दे सकती है ना, है ना? तो फिर हम आपकी बात क्यों माने? हर बार हमें कुर्बानी क्यों दे? आखिर क्यों आई साहब? पर अब हमने फैसला कर लिया है आई साहब, आप ऐसे डरा कर धमका कर हमें नहीं रोक सकती। और हम हमारे प्रेम के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जो था राजगद्दी, आज हमने उस राजगद्दी को भी हमारे जीवन से निकाल कर फेंक दिया। मत रोकिया इसे, मत रोकिया। ऐसा मत कहो मालेराव। जाने दीजिए हमें इसे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.